तो मेरा नाम राजेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। मुजफ्फरपुर हत्याकांड में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर के लोगों ने मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए इस पूरे मामले का रहस्य उद्घाटन एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। आइए जानते हैं मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी से कि क्या थी घटना और कैसे मुजफ्फरपुर पुलिस। मिर्जापुर थाना क्षेत्र में एक चर्चित एक लगभग 26 साल के लड़के को गोली मार दी गई थी और बाद में इस मामले में पुलिस ने बड़ी सीरियसली इस मामले को लिया। इस मामले में एक विशेष जांच दल बनाया गया जिसका नेतृत्व सिटी एसपी कर रहे थे एवं इसमें एएसपी ईस्ट एवं डीएसपी टाउन भी शामिल थे। इस मामले में जगह जगह पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की तलाश की। तलाशी के दौरान पुलिस को ये पता लगा कि शानू जिसका मर्डर किया गया था इस व्यक्ति को पूर्व में इसकी रंजिश थी अपने ही कुछ साथियों से जो लोग पहले दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से घटना के दिन ये लोग आए और इनके साथ में हरियाणा का इनका एक दोस्त था जिसका ये मोबाइल नंबर लेके यहाँ पर आए और उसके बाद में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की टीम ने बीते रात इसी हरियाणा के जो व्यक्ति को एक को पुलिस ने उसके बयान के आधार पर 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इन लोगों ने घटना में अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा इसमें जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी वो अभी फरार है और पुलिस के द्वारा इसको बहुत ही जल्दी मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। इस प्रकार इस चर्चित मर्डर को खुलासा करने में हम लोग को सफलता मिली। हत्या क्यों किया गया, कारण? ये आपसी रंजिश थी इन लोगों की, पूर्व में आपसी विवाद था जिसके मद्देनजर ये हत्या की गई थी और इस बात का खुलासा इन 3 लोगों के अरेस्ट होने के पश्चात भी